क्यों हुआ हम तो जानते हैं, आप भी जान लीजिए। आज पहली गिरावट, पहला दिन निफ्टी बैंक में क्यों हुआ, कल क्या होगा वो भी जान लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों हुआ। आज 1 तारीख है और 1 जून 2023। अगर एक सप्ताह पहले की बात करेंगे तो एक सप्ताह में निफ्टी बैंक दिया था 125 पैसा का, ठीक है। यही 26 मई की बात है, 1 महीना पहले की बात है, सॉरी 26 मई, ये 1 सप्ताह पहले की बात है। 1 सप्ताह पहले ग्रीन हरे निशान में, 1 महीना पहले हरे निशान में। अगर 1 सप्ताह पहले की बात करेंगे तो 132 रुपया, 1 महीना पहले की बात करेंगे 438 रुपया, 6 महीना पहले की बात करेंगे तो 686 रुपया, और 9 महीना पहले की बात करेंगे तो 587 रुपया, और 1 साल पहले की बात करेंगे दोस्तों तो 8176 रुपये का कैसे ये गया है। देखिए घोड़े की टाप, कड़बच 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 घोड़े की टाप के अनुसार बढ़ा है दोस्तों। और देखिए ये 35,613 रुपये 1 साल पहले था 2 जून को, जो कल 2 जून आने वाला है, और महीने का पहला दिन आज था जो लाल निशान में था। लेकिन अगर 1 साल पहले की बात करते हैं तो 1 साल पहले का अगर 8176, 22-23% लगभग प्रॉफिट दिया। लेकिन अब क्या लगता है आपको, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता निफ्टी 50 को गिरने से, और कितना गिरेगा वो भी हम आपको बता दें। चलिए अगर ये 8,000 में से 4,000 गिरता, 4,000 हमारा 2,500 तो मेरा टारगेट है दोस्तों, तो 2,500 गिरने का मतलब कितना, 2,500 गिरने का मतलब अब चलिए मैं बता दूँ, 5 साल का इतिहास आके देख लेते हैं। अब देखिए इसका मैं बता दूं कि कहाँ आएगा तब पकड़ना है, ऐसे पकड़ना नहीं है। 39,340 और 42,983, 39 और 3, 738,300 तो 43 और 3, 46। ये अभी तो गिरने वाला नहीं है, ये 45,000 के पार जी थोड़ा सा गिरा है, गिरेगा। लेकिन ये कह रहा क्या कि हम 35,000 पूरे सप्ताह को उठाने के लिए, कितना गिरा आज 337 रुपया 95 पैसा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 44,000 फिर कर जाएगा दोस्तों, और 44,000 जाएगा मतलब कि 300 टॉप जो बनाएगा 44,000 के और ये कह रहा है क्या कि 1 साल में हम कितनी बार गिरे, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार गिरते रहे, ठीक है, और उठे कितना, 1 बार 2 बार 3 बार बराबर हो गया दोस्तों। थलका सा ये नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद अगर ये आएगा कितना तो मैं वो भी आपको बता दूं, 3,000, 3,000 गिरने के बाद गिरना है दोस्तों, मतलब ये आपको 42,741,500 मेरा टारगेट है, ठीक है। 41,500
41,700, 2,000, 3,000। निफ्टी बैंक पकड़ेंगे कहाँ पे, 41,500 पे इसको लेकर एकदम लगातार चलते रहना है। अब आइए निफ्टी 50 की बात कर लिया जाए दोस्तों। निफ्टी 50 भी आज महीने का पहला दिन और महीने में पहली गिरावट, एक महीने बाद कितना था निफ्टी 50, 340 रुपया का बेनिफिट। एक सप्ताह पहले 125 रुपया, छः महीना पहले क्या था, ये छः महीना पहले था यहाँ पे 18,696 गिरा, और फिर ये गिरने वाला है और गिरेगा भयंकर नहीं, 17,700 पे हमारा टारगेट है। तो निफ्टी 50 कल का कितना, ये धीरे धीरे गिराएगा, गिराने के बाद एक सप्ताह में उठा, एक सप्ताह छः महीना पहले की बात करें, नौ महीना पहले की बात करें तो बढ़िया स्थिति में था, लेकिन आज एक साल पहले की बात करेंगे तो एक साल पहले तो यही स्थिति था। तो ये भी वही बना रहा है, देखिए दोनों वही बना रहे हैं। निफ्टी 50 भी सेम रफ्तार देख लीजिए, सेम रफ्तार आपको निफ्टी बैंक भी बना रहा है। एक साल पहले की अगर बात करेंगे निफ्टी, आज की अगर देखेंगे निफ्टी 50 के तो ये सेम है, और निफ्टी 50 में भी सेम है और निफ्टी बैंक में भी सेम है। निफ्टी बैंक को देखते हैं, निफ्टी 50 का देख लिए, निफ्टी बैंक में भी देखिए आज सेम ऐसे ही गिरा, और निफ्टी बैंक के एक साल की बात करेंगे तो एक साल में भी ऐसे ही हुआ, सेम पैटर्न बना, ये ग्राफ देखने से पता चलता है। तो निफ्टी 50 का इसका मतलब कि बैंक जब साथ देगा तो आईटी नहीं देगा, आईटी बैंक दिया तो एनबीएफसी नहीं दिया, फाइनेंस नहीं दिया, वही बैंक में भी आ जाता है। निफ्टी मेटल दिया तो आईटी नहीं दिया, आईटी दिया तो पता चला कि निफ्टी एनर्जी नहीं दिया, एनर्जी दी नहीं दिया, और रियल एस्टेट दिया रियलिटी एस्टेट, अरे माय गॉड रियल एस्टेट की चर्चा कर ली है दोस्तों। निफ्टी रियलिटी हमारे रडार पे ये बहुत दिन से है दोस्तों। निफ्टी रियलिटी एक ऐसा स्टॉक है आ गया, और हम एक महीना पहले आपको बताए थे कि एक महीना पहले 444 रुपये था, छः महीना पहले की बात करेंगे तो छः महीना पहले कितना था, 463, और ये फिर एक बार कमाई तो करके दे दिया था, और यहाँ पे 376 रुपये के आसपास जब आया था, मार्च की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ दोस्तों, दो महीना हुआ अभी, दो महीना पहले मार्च, दो महीना पहले भी नहीं, एक महीना पहले निफ्टी रियलिटी एक महीना पहले था 375, 100 रुपये के डिफरेंस हुआ। और आने वाले समय अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये निफ्टी 50 कब लिस्टिंग, निफ्टी रियलिटी जो है इंडेक्स कब बना, तो ये 2010 में बना था 458 रुपये के आसपास, ये वहीं का वहीं है आज भी, मतलब कि 10-12 साल बाद भी वहीं पे है। इसका स्थिति जो, इसलिए कि घरों के जो खरीद बिक्री है जो जब से ये हुआ है, ये गया था एक बार 550 रुपये के आसपास, और ये 550 रुपये के आसपास जब जाएगा तो अब ऐसे नहीं आता है, और ये जब गिरा है नीचे की तरफ, गिरते गया है तो ये जब तक आएगा नहीं दोस्तों, हम कहते हैं कि जब टॉप बनाएगा, अगर एक साल पहले, दो साल पहले कि छः महीना पहले की बात करें तो देखिए ये यहाँ से उठा है, और यहाँ से उठा था मार्च में, कुछ लोग घरों की खरीदारी करने के लिए किए थे लेकिन वो कर नहीं पाए थे। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 तीन इंडेक्स में
कहाँ पे पैसा लगाया जाए, तो मेरी राय है दोस्तों, एक रडार पे हमारे अभी अभी आया है निफ्टी एनर्जी। और निफ्टी एनर्जी की कहानी अगर हम कहते हैं, चलिए आपको मैं निफ्टी एनर्जी की कहानी भी दिखा दूं कि क्या कह रहा है। निफ्टी एनर्जी गिरावट तो हुई ज़बरदस्त, अगर एक साल पहले की बात करते हैं तो ये आपका 23,875 की नहीं थी, 21,621 रुपया था, 21,600, 1800 का इंक्रीज हुआ है निफ्टी एनर्जी में। और निफ्टी एनर्जी अभी गिरने वाला भी नहीं है, देख लीजिए क्यों नहीं गिरेगा। बेस इसका बना हुआ है 23,930 रुपये का बेस बना हुआ है, और ये 24,500 जाने के लिए तैयारी कर चुका है दोस्तों। और 24,500 जाते ही कौन कौन सा सेक्टर भागेगा वो भी हम आपको चलिए इसी में बता दिया जाए। एक स्टॉक जो है आपको मैं बता दूं, जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, अडानी पावर, ये है स्टॉक। अगर आपको मेरी भरोसा है तो अडानी पावर पंद्रह अगस्त से पहले उठा लो माल दबा कर दोस्तों, निफ्टी एनर्जी सेक्टर का 15 अगस्त से पहले उठा लो माल दबा कर, 15 अगस्त से पहले बनाएगा अरबपति अडानी पावर। अडानी विलमार अडानी टोटल गैस अडानी ट्रांसमिशंस अडानी इंटरप्राइजेज न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड और ये स्टॉक जो है या बम्पर कमाई करके दिया दोस्तों। दूसरा है ऑप्समस इंफ्राकॉम डॉट लिमिटेड, और एक स्टॉक हमारे रडार पर अभी भी आया है टीडी पावर। ये है दोस्तों टीडी पावर, और आपको कल ही बताए थे मन इंफ्रास्ट्रक्चर मन इंडस्ट्रीज जो है, और कल ही बताए थे आपको पराज इंडस्ट्रीज, कोई बात नहीं है ये तो चलेगा। गिरावट में जिसको ख़रीदना है, 6 महीना पहले जब दिया था, 1 महीना पहले भी दिया था, 6 महीना पहले भी दिया था,
अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो भी दिया था, और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, थर्मेक्स जो है, थर्मेक्स लिमिटेड 2355 रुपया का ये गिर गया। इसलिए गिर गया कि ये गिरने के कारण है कि ये इसमें बेच करने जो नहीं चला गया फिर वो फिर निकलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। थर्मेक्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे सस्ता और सबसे महंगा होने वाला स्टॉक, आपको हमने बताया था दोस्तों 145 रुपये जब था मार्च में तब बताया था, और अगर हम एक सप्ताह पहले की बात करेंगे तो 3 रुपये से और आज भी बम्पर कमाई करके दिया, और स्टॉक रुकने वाला नहीं है। जेके टायर, थिरुमलाई केमिकल्स, ये भी आपको मैं बताया था, और बिनाती ऑर्गेनिक्स, बिनाती ऑर्गेनिक्स रडार पर रखिए, कल चलिए देखते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक।